जाता था। जब भगवान बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध आए तो दो शिष्य उन्होंने बनाया, मुगलाना एंड शारीपुत्रा। मुगलाना की समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है, अंदर में शारीपुत्र की समाधि है जो आपके फ्रंट पेज पर छपा हुआ था, वो मेन टेम्पल वही है, टेम्पल नंबर 3। लेकिन उससे पहले एक स्तूप का निर्माण यहाँ भी हुआ था, ये हुआ था बुद्ध की यादगारी में, लेकिन वो बड़ा वाला हुआ है शारीपुत्रा स्तूपा, शारीपुत्र की यादगारी में। ये ऐसे पिरामिड जैसा क्यों है? जी, इसलिए कि हम यहाँ का जो भी स्तूपा दिखाएंगे पिरामिड जैसा, चूंकि स्तूप तो पहले गोल बना दिया गया था, लेकिन जब जब राजाओं ने यूनिवर्सिटी को एक्सटेंशन किया है, स्तूप को भी थोड़ा सा प्रिजर्व करते गए, ऊपर से उसको कवर्ड करते गए, इसलिए चौकोर है। इसी तरह से शारीपुत्रा स्तूपा बहुत ऊंचा और एकदम चौकोर है सिस्टर। अच्छा। जी, तो ये स्तूप लोकल ने बनाया, लोकल लोगों ने। शारीपुत्र का स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया, बट यूनिवर्सिटी की रचना कुमार गुप्त ने किया। सो यू कैन से किंग कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, नॉट अशोका। नालंदा के दीवालों की मोटाई काफी है, जिससे फर्स्ट नेचुरल एयर कंडीशन जैसा बना होता था, गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी, दूसरा मजबूती होता था, और तीसरा देखा जाए मेरा आवाज इको हो रहा है, हेलो 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 हेलो, इस तरह से साउंड प्रूफ था अपना नालंदा। दूर से भी टीचर पढ़ाते थे, बच्चे भली भांति उनको फॉलो करते थे, समझते थे। एक हॉस्टल हमने ये दिखाया, दूसरा ये था। दो हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है, गलियारा है, जब मेन गेट नहीं मिला तो यहाँ और यहाँ दीवार काट करके इसको रास्ता बनाया है। मुगलाना जिसकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है, ये शारीपुत्र का स्तूप है, शारीपुत्र की समाधि है। दो दो सौ साल के अंतराल में 3 बार एक्सटेंशन हुआ। ये अंदर से सिस्टर पूरा सॉलिड है, इसके ऊपर में बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी। ये गड्ढा है, यहाँ पर स्टेप्स थे जो टूट गया है। हर आंगन में कुआं है, वहां से जल ला करके लोग स्नान करते थे। उन्होंने लिखा था हर हॉस्टल के कॉर्नर पर दो एक साथ में बाथरूम हुआ करते थे, जहां जाकर के नाली इनकी एकदम डाउन होती थी। इसलिए विंसन इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक कमरा एक स्टूडेंट के लिए था। हर हॉस्टल में एक स्पेशल गुफा होता था मेडिटेशन के लिए, इसके अंदर लोग ध्यान साधना योग करने जाते थे। इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई वहां तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ करके ध्यान करते थे। ये ध्यान करने की गुफा है। ये पता सब में जी नहीं, हर हॉस्टल के एक में, हर हॉस्टल के एक में, बल्कि ये मेन टेम्पल के बगल वाले कमरों को माना जाता है, नॉट कन्फर्म, कि दिस वॉज द रूम ऑफ वेंसांग, ये वेंसांग का कमरा था। हर एक हॉस्टल का आंगन इनका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है जहां से टीचर इनको पढ़ाते थे। ये पत्थर के जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी, माने गुरुकुल सिस्टम इनका पढ़ाई होता था। तो एक बार में 108 छात्र इस जगह पर बैठ के पढ़। हाँ, ये स्तूपा नहीं था, ये स्तूप बाद में बनाया सिस्टर, जैसे हमने वहाँ स्तूपा दिखाया था। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा आंगन 108 लोगों के लिए था। सर, ये दो गोदाम घर है जहाँ वो चावल रखते थे। इसके छत की बनावट देखिए, कमानीदार बनी हुई है। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। गोदाम के सामने सर यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी, जिसे लाइटेड करने के लिए इधर भी और इधर भी ये दो पत्थर लगा हुआ है, जहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब इस पर सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पर रिफ्लेक्शन होता था। जहाँ देखा जाए अभी भी इसमें कितना शाइनिंग है, कितना स्पार्किंग है सिस्टर। दिस इज नॉट ए जनरल टाइप ऑफ स्टोन, रियली दिस इज माइका स्टोन, माइका जिसे अभ्र निकलता है। अभ्रक ही पत्थर है जी। वो छत अभी तक बचा हुआ है, कमानीदार छत,
इसी से दो बड़ा बड़ा मटका और जला हुआ चावल मिला था आपने म्यूजियम में। हाँ, म्यूजियम में चावल, जला हुआ चावल देखा था। तो जाइए सर, कुआं और गोदाम, ये दो चीज को देख के आइए। यहाँ चौकोर वाला जितना है वो सब वही मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है। ये कमरानुमा आकृति चैत्य था बौद्ध मंदिर, और ये गोल गोल वृक्ष का जो बना हुआ वो सब समाधि है। लेकिन ये पत्थर वाली जो गोल है सर, ये भोटी वस्तुपा है, मनौती वस्तुपा। जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो बना करके और यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत करते थे। नालंदा में 100 वाट हॉस्टल और 100 वाट मंदिर था। अभी ये लाइन में सिस्टर 11 हॉस्टल की खुदाई हुई है। नाटा वाला पेड़ है सर, उसमें 8 ब्रांचेज आया है। कभी देखा है ऐसा खजूर का पेड़ with 8 branches? Isn't that something unique?